सर्वदलीय बैठक के बाद बोले कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, हमें डर है कृषि बिल फिर से आएगा। पंजाब के शिक्षा मंत्री को चुनौती, मनीष सिसोदिया ने जारी की दिल्ली के 250 स्कूलों की लिस्ट। ओमिक्रॉन वेरिएंट से चिंतित हुए सीएम केजरीवाल, पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर फ्लाइट्स रोकने का किया आग्रह। पीएम मोदी ने स्टार्टअप को लेकर दिया बयान, दुनिया में अगुवाई कर रहा है भारत। जेल में बंद सपा नेता से मिलकर बोले शिवपाल, आजम खान भी चाहते हैं समाजवादी परिवार एक हो जाए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आई नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों पर। कोविड न्यू वेरिएंट ओमिक्रॉन को देखते हुए लेकर जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आपात बैठक बुलाई। इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयरपोर्ट पर सभी यात्रियों की सघन स्क्रीनिंग भी कराई जाए। विदेशों से डायरेक्ट आने वाली सभी फ्लाइट और के पैसेंजर का आरटीपीसीआर टेस्ट कराया जाए। विदेशों से आने वाले समस्त यात्रियों का आरटीपीसीआर टेस्ट कराना अनिवार्य है। डीएम ने इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे बुलाई है आपात बैठक। कोविड न्यू वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर यह बैठक की गई है, जहां डीएम ने कई दिशा निर्देश जारी किए हैं। आपको बता दें कि आरटीपीसीआर टेस्ट कराना अनिवार्य बताया गया है। डीएम ने सभी को आदेश दिए हैं कि विदेशों से डायरेक्ट आने वाली सभी फ्लाइट्स के पैसेंजर का आरटीपीसीआर टेस्ट जरूर कराया जाए और विदेशों से आने वाली समस्त यात्रियों का आरटीपीसीआर टेस्ट अनिवार्य रूप से जारी रहेगा। अवगत है कि एक नया वेरिएंट की बात जो ग्लोबली आई है, जिसमें विशेष रूप से यूरोपियन कंट्रीज में भी और साथ ही साथ अफ्रीकन कंट्रीज में भी और जगहों पर ये पाया गया है, इस वेरिएंट को लेकर के हम लोग यहाँ भी एक मेडिकल के रूप में हम लोगों ने अलर्ट रखा हुआ है। और इसी चीज़ को लेते हुए जो हमारे इंटरनेशनल ट्रैवलर्स हैं या ऐसे ट्रैवलर्स जो इंटरनेशनली पहले किसी दूसरे डोमेस्टिक स्टेशन पर आते हैं फिर लखनऊ आ रहे हैं, इन सब चीज़ों को लेकर के आज एक इम्पॉर्टेंट बैठक की गई और इसके एक प्रोटोकॉल को निर्धारित किया गया है। जरा मैं आपको आंकड़े बता दूं तो लखनऊ में दो टर्मिनल से, एक डोमेस्टिक और एक इंटरनेशनल, 9 हमारी एवरेज प्रतिदिन इंटरनेशनल फ्लाइट्स आती है, लगभग 1800 से 2000 पैसे। ये निःशुल्क हम लोग के द्वारा हर एक जो आवक रहेंगे इंटरनेशनल फ्लाइट से, इनकी आरटीपीसीआर टेस्ट अनिवार्य रूप से करेंगे, ये निःशुल्क रहेगा। और जो हमारे डोमेस्टिक ट्रैवलर्स हैं, इसमें हमारे 10 ऐसे डेस्टिनेशन हैं जिसमें जैसे दिल्ली, मुंबई, कोचीन और इस प्रकार के जो हमारे डेस्टिनेशन है, बेंगलुरु हो गया, हैदराबाद हो गया, 10 डेस्टिनेशन को चिन्हित किया गया है जहाँ पर हम रैंडम प्रतिदिन 10% लोगों की आरटीपीसीआर टेस्टिंग कराई जाएगी और सभी की अनिवार्य रूप से थर्मल स्क्रीनिंग कराई जाएगी। और किसी का भी अगर थर्मल स्क्रीनिंग में टेम्परेचर मानक से ज्यादा पाया जाता है तो उसकी भी अनिवार्य रूप से। उत्तर प्रदेश में 28 नवंबर को आयोजित हुई यूपी टेट का पेपर लीक हो गया था, इसी की वजह से परीक्षा रद्द कर दी गई, जिसका बेसिक शिक्षा विभाग के निदेशक सवेंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि पेपर सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद परीक्षा निरस्त करने का फैसला किया गया। पेपर लीक होने के बाद एसटीएफ ने प्रदेश भर में छापेमारी की, जिसमें प्रयागराज, मेरठ और गाजियाबाद से कई लोग हिरासत में लिए गए। एक महीने बाद दोबारा होगी इस परीक्षा, अभ्यर्थियों में भारी आक्रोश देखने को मिला है। आपको बता दें कि यूपी टेट का एक पेपर लीक हुआ था, जिसकी वजह से आज ये परीक्षा रद्द कर दी गई थी और बेसिक शिक्षा विभाग के निदेशक सवेंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि पेपर सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद परीक्षा निरस्त करने का फैसला किया था, और जिसका पेपर लीक होने के बाद एसटीएफ ने प्रदेश भर में छापेमारी की, जिसमें प्रमुख तौर पर प्रयागराज, मेरठ और गाजियाबाद से कई लोग हिरासत में लिए गए हैं। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से बुलंदशहर, औरैया और मऊ का हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पे संबल, आगरा, शाहजहांपुर के भी शहर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सभी अभ्यर्थी परीक्षा भवन पहुंच चुके थे, जहां अचानक से पेपर लीक होने की खबर
मिलते ही पेपर रद्द करने की जानकारी दी गई, जिसके चलते सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट कर सबको इस बात की जानकारी दी गई और इसमें यह भी कहा गया कि फिर से ये परीक्षा कराई जाएगी और वहां से लौट रहे परीक्षार्थियों के बस का टिकट भी माफ किया जाएगा। खबर औरैया से है, जहां प्रमुख गृह सचिव अवनीश अवस्थी हेलीकॉप्टर से औरैया पहुंचे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया और वहीं जल्द पूरा करने का निर्देश दिया गया। अगर लेबर कम है तो बढ़ा दी जाए, जिससे समय पर काम पूरा हो जा सके। वह एक्सप्रेसवे बनने से किसानों को फायदा होगा, जिससे जो सब्जी या फसल की पैदावार करने के बाद आगरा दिल्ली तक आसानी से ले जा सकेंगे। हम लोगों ने ये निर्देश दिया है कि दो तीन स्ट्रक्चर्स जहाँ पर जरूरत है तो वहाँ लेबर की संख्या और बढ़ा लें, जिससे इन स्ट्रक्चर्स को भी समय से पूरा किया जा सके। यहाँ कोई भी जो है अब और इशू बाकी नहीं है, तो अगले कुछ समय में जल्दी से जल्दी इस काम को पूरा करने का जो निर्देश दिया है उसी को हम पूरा करने दिया। मिर्जापुर के अहरौरा के एक विद्यालय के वार्षिकोत्सव समारोह में पहुंचे कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने केंद्र और प्रदेश सरकार को किसानों का हितैषी बताया। उन्होंने कहा कि किसान बिल अब वापस हो गया है, अब विरोध का कोई सवाल ही नहीं है और अब चुनावी स्टंट के लिए विरोध ठीक नहीं है। और इस दौरान उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट के चुनाव में सपा बसपा का एक होकर भी बीजेपी का पीछा नहीं कर पाए। किसान बिल वापस हो गया, अब विरोध का कोई औचित्य नहीं रह गया, एक चीज। दूसरी चीज, किसान सदैव हमारी सरकार की प्राथमिकताओं में से रहा है। योगी जी की पहली ऐसी सरकार है जिसने अपने पहली कैबिनेट बैठक में 86 लाख किसानों का ऋण माफ करने का निर्णय लिया। जब से योगी जी की केंद्र सरकार बनी है, समय समय पर नियमित रूप से न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जा रहा है, क्रय केंद्रों के माध्यम से किसानों की उपज खरीदी जा रही है। पूर्ववर्ती सरकार की तुलना में 4 गुना 5 गुना से भी ज़्यादा खरीद हमारी सरकार में हुई है। इसके साथ ही साथ ये पहली ऐसी सरकार है जो किसानों के सम्मान में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के रूप में उन्हें निरंतर हर चौथे महीने 2000 रुपए का आर्थिक सहायता उनके। प्रदेश में आज यूपी टेट की परीक्षा के पेपर लीक होने के बाद सुल्तानपुर में युवक कांग्रेसियों ने नाराजगी जताई। हाल ये रहा कि नाराजगी कांग्रेस सीएम योगी का पुतला लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंच गए और उसी के सामने सीएम योगी का पुतला फूंक दिया। इस दौरान कांग्रेसियों ने योगी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं एसपी ऑफिस के सामने प्रदर्शन और पुतला दहन की जानकारी लगते हुए पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। आनन-फानन में पहुंची पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे युवक कांग्रेसियों को हिरासत में लिया और पुलिस लाइन ले गए। वहीं युवक कांग्रेसियों ने कहा कि भाजपा सरकार जीरो टॉलरेंस पर भ्रष्टाचार और अपराध मुक्त की बात करती है, जबकि उन्हीं के कार्यालय के अभ्यर्थी के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए, योगी सरकार में वो कहते हैं कि भ्रष्टाचार पे 0% टॉलरेंस है, जबकि ये सरकार में आज तक कोई परीक्षा बिना कोर्ट गए बिना लीक हुए नहीं हो सकी है। लाखों छात्रों ने इतनी मेहनत से तैयारी की थी, उनकी मेहनत पर आज जब वो परीक्षा सेंटरों पर किसी तरह ठंड में कप कप आते हुए पहुंचे तो उन्हें पता चला कि जिस परीक्षा की वो इतनी मेहनत से तैयारी कर रहे हैं, योगी सरकार के नकारेपन के कारण वो परीक्षा रद्द कर दी गई है। इससे युवाओं को गहरा आघात पहुंचा है। मैं समझता हूं योगी सरकार को इस्तीफा देना चाहिए, ऐसी घटना पर उनको तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। उनको कुर्सी पर बने रहने का, मुख्यमंत्री बने रहने का कोई हक नहीं। फरीदाबाद के अज्जी कॉलोनी से एक मामला सामने आया है, जहां दुल्हन के हाथों में मेहंदी सजी रह गई, लेकिन दहेज के लालच दूल्हा बारात लेकर नहीं पहुंचा। बता दें कि अज्जी कॉलोनी के रहने वाले दुल्हन के पिता ने अपनी बेटी की शादी दिल्ली के रहने वाले और कृषि भवन में सरकारी नौकरी करने वाले एक युवक से तय की थी, ताकि उनकी बेटी जीवन भर खुश रह सके, लेकिन ऐसा शायद कुदरत को मंजूर नहीं था। बता दें कि बारात दिल्ली से बीते 27
नवंबर की शाम को फरीदाबाद के अज्जी कॉलोनी में पहुंचनी थी। लड़की पक्ष बेसब्री से बारात के आने का स्वागत करने का इंतजार कर रहे थे। लड़की पक्ष बारात के आने का इंतजार करता रहा, लेकिन बारात नहीं पहुंची। दुल्हन के बाप ने अपनी बेटी के लिए अपनी हैसियत से ज्यादा बुलेट मोटरसाइकिल और 2.5 लाख रुपए दहेज देने का इंतजाम किया था, लेकिन अचानक लड़के वालों का फोन आया और उन्हें दहेज में 5 लाख और एक फॉर्च्यूनर कार चाहिए, वरना वे बारात लेकर नहीं आएंगे। बेटी का पिता गाड़ी और रुपयों का इंतजाम नहीं कर सका तो लड़के वालों ने बारात लेकर नहीं पहुंचे। इससे परेशान लड़की और उसके पिता ने महिला थाने में लड़के और उसके परिवार वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। अब लड़की और उसके पिता की मांग है कि ऐसे दहेज के लालची लोगों को सजा जरूर मिलनी चाहिए, ताकि जो उनकी बेटी के साथ हुआ वह किसी और के साथ ना हो सके। दहेज के लेके बहुत ये हुआ है, सारा काम कैंसिल भी उन्होंने ही करी है दहेज के लिए, मतलब मांग करने के बाद जब मांग पूरी नहीं कर सके तो हम उन्हें शादी से इनकार कर दिया। लड़कों वालों ने खुद लड़के ने कह दी मैंने शादी नहीं करनी, उसकी बहन ने और उसने। मेरी शादी 27 नवंबर को थी, पर उन्होंने कैश और फॉर्च्यूनर गाड़ी की डिमांड करी है 19 तारीख को, और मेरी शादी विशाल कैरोतिया नाम के लड़के से होने वाली थी, पर उन्होंने बारात लाने के लिए मना कर दिया कि अगर तू हमें फॉर्च्यूनर गाड़ी और कैश देगी तो हम बारात लाएंगे, वरना नहीं लाएंगे। और हमने कल उनसे रिक्वेस्ट भी करी थी कि भाई बारात ले आओ, पर उन्होंने मना कर दिया और हमें परेशान करते रहे कैश के लिए और फॉर्च्यूनर गाड़ी के। गोरखपुर जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां दो पक्षों के बीच हुई विवाद में खूनी संघर्ष हुआ। वहीं सूत्रों के हवाले से पता चला है कि घटना से एक की मौत हो गई है, जबकि एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। मौके पर पहुंची पुलिस छानबीन में जुटी हुई है। वहीं घटना के संबंध में पुलिस अधीक्षक उत्तरी मनोज कुमार अवस्थी ने बताया कि जमीनी विवाद में दो पक्षों में गोली चली है। ये आपसी जमीनी रंजिश को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ है, उसी में एक पक्ष द्वारा ईंट पत्थर भी चलाया गया और फायर कर दी गई, जिसमें अभी 3 लोगों के इंजर्ड होने की सूचना मिल रही है और FIR लिख के जो भी कठोर से कठोर कार्रवाई है वो की जाएगी। जनपद संभल में SP चक्रेश मिश्रा और अपर अधीक्षक आलोक कुमार जायसवाल के निर्देशन में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें पुलिस ने 25,000 के इनामी 3 बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। ये तीनों अभियुक्त 25,000 रुपए के इनामी हैं। इनके नाम सत्यभान, ये थाना धनारी का रहने वाला, हरिओम थाना हयात नगर, राजेश थाना धनारी का है। इनके विरुद्ध गैंगस्टर व अन्य कुल 8 अभियुक्त अभियोग पहले से पंजीकृत हैं। इनके चेकिंग में से इनके पास से 3 अवैध शस्त्र व 6 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। उसके अनुसार भी विधिक रूप से कार्रवाई करते हुए इन पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। आज इनको माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है। ये लोग गैंगस्टर के अपराधी हैं और लूट के मुकदमों में पहले भी जेल जा चुके हैं। इस तरह के अपराधियों के विरुद्ध संभल जनपद की पुलिस के द्वारा लगातार अगले 1 महीने में अभियान चलाया जाता रहेगा, जिससे कि हम लोग शांतिपूर्वक चुनाव। उत्तर प्रदेश में आज रविवार को आयोजित हुई UPTET परीक्षा पेपर लीक के चलते रद्द कर दी गई, जिसमें परीक्षा का प्रश्नोत्तर व्हाट्सएप पर लीक हो गया है। पहला पेपर सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक, जबकि दूसरा पेपर दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित किया जाना था। पेपर लीक की खबर सामने आने के बाद परीक्षा के बीच में ही रोकनी पड़ गई, जिससे अभ्यर्थियों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। वहीं युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने परीक्षा केंद्र पर पहुंचकर अभ्यर्थियों के नाराजगी में शामिल होकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं, और युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रतिज्ञा यात्रा का पैम्फलेट बांटा और सरकार की नीतियों के खिलाफ हाथों में पैम्फलेट लेकर प्रदर्शन किया। पेपर लगभग 1 घंटे को होना था और क्वेश्चन भी हम लोग, पेपर अच्छा आया था, क्वेश्चन तो 60 कर ही लिए थे, मान लो हम तो कर लिए थे। इसके बाद तभी पता चला पेपर लीक हो गया, उसके बाद सब खत्म, दोनों पेपर लीक। अभी फिर 1 महीने बाद फिर से गवर्नमेंट ने बोला है कि नहीं फिर से 1 महीने बाद पेपर कराया जाए, तो आगे फिर किस हिसाब से आप लोग तैयारी करेंगे? क्या ये पेपर आगे का तैयारी फिर उसी लगन से आप लोग करेंगी? उस लगन से करेंगे, पर कहाँ हो पाएगा। एक बार निराश हो चुके हम लोग, इस बार हम लोग को ज़्यादा उत्साह था, सेकेंड टाइम भी रहेगा, पर
इतना नहीं रहेगा मेरे ख्याल से। अयोध्या में 27 नवंबर को एक युवक की बेरहमी से चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि युवक को फोन करके बुलाया गया, जिसके बाद थाना कैंड के अबू सराय रेलवे लाइन के पास कुछ कहा सुनी हो गई और तीन चार लोगों ने धारदार हथियार से युवक की हत्या कर दी। इस घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। देखिए, थाना कैंड क्षेत्र का मामला है। राहिल नाम के एक युवक जो अपने घर से कोई उनके काल आने के बाद किसी को पैसे और मोबाइल फ़ोन देने के लिए जा रहे थे, क्योंकि मोबाइल फ़ोन की इनके दुकान है, व्यवसाय है, और वहाँ पर अबू सराय के पास रेलवे क्रॉसिंग अबू सराय के पास में और कुछ लोगों ने उनके साथ पकड़ करके धारदार हथियार से मारपीट कर दिया और गंभीर रूप से वो घायल हो गए। उनको जिला अस्पताल आया, जिनको मृत घोषित कर दिया। इस संबंध में सारी टीमें लगाई गई हैं और संबंधित से पूछताछ की जा रही है। परिजनों की जो भी तहरीर होगी, अभियोग पंजीत करके आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। इसमें जो भी हमारी टीमें हैं वो इस पर लगी हुई हैं। निश्चित ही अतिशीघ्र इसमें गिरफ्तारी करके कड़ी कार्यवाही की जाए। फतेहपुर जनपद में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अपराध पर रोकथाम के साथ अपराधियों की धरपकड़ का अभियान चलाया जा रहा है। इस क्रम में पुलिस ने एराया सादात के रहने वाले एक युवक को 1 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद विधायक कार्रवाई करते हुए जेल भेज गया है। खबर फतेहपुर से है, जहां पर पुलिस ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। अपराध की रोकथाम के लिए ये विशेष अभियान चलाया गया है, जिसमें पुलिस ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार भी किया है। आपको बता दें कि फतेहपुर जनपद में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अपराध पर रोकथाम के साथ अपराधियों की धरपकड़ का अभियान काफी जोरों शोरों से चलाया जा रहा है और इसी क्रम में पुलिस ने एराया सादात का रहने वाला एक युवक को 1 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद विधिक कार्रवाई करते हुए जेल भेजा गया है। प्रदेश के माफियाओं के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत जिलाधिकारी गाजीपुर ने गाजीपुर पुलिस की आख्या पर विचार करके गैंगस्टर एक्ट के धारा के अंतर्गत शिक्षा माफिया महेंद्र कुशवाहा बेटे स्वर्गीय बंसी कुशवाहा निवासी छावनी लाइन रघुनाथपुर की फतेहुल्लरपुर स्थित कई हेक्टेयर भूमि और निर्मित इमारत की कुर्की के आदेश को जारी कर दिए हैं। सब रजिस्ट्रार की आख्या के अनुसार उपरोक्त भूमि और इमारत की कुल लागत 4,79,21,100 रुपए है। ये देखिए, शिक्षा माफिया महेंद्र कुशवाहा के खिलाफ सामूहिक नकल कराने, पर्चआउट करने आदि के संबंध में थाना कोतवाली गाजीपुर में गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा 1775/16 दर्ज किया गया था। उस मुकदमे में ही आज जिलाधिकारी गाजीपुर महोदय के आदेश के अनुसार गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 के अंतर्गत ये कुर्की की कार्रवाई की गई। ये इस कुर्की में जो ये भू संपत्ति है, इस पर निर्मित जो ये भवन है और ये बाउंड्री वाल, इसकी कुल मिला के लागत सब रजिस्ट्रार की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 4,80,00,000 रुपये है। शिक्षा माफियाओं पर चलाया गया है एक विशेष अभियान, जहां 4,79,00,000 रुपए की संपत्ति कुर्की गई। शिक्षा माफिया महेंद्र कुशवाहा की संपत्ति कुर्की गई है। गाजीपुर पर माफियाओं पर विशेष अभियान एक चलाया गया है, जिसके चलते शिक्षा माफिया महेंद्र कुशवाहा की संपत्ति कुर्की गई है, जिसमें 4,79,00,000 रुपए की संपत्ति कुर्की गई। उत्तर प्रदेश की अब तक की खबरों में फिलहाल बस इतना ही है, और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।